और इसी के साथ एक और दर्शक हैं, सुनील जी ने हमें कॉल किया है महाराष्ट्र से। सुनील जी, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ मैडम, मेरी उम्र 30 साल है जी, और मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। आपके बाल झड़ रहे हैं? हाँ जी, 30 साल उम्र है आपकी, और ये बाल कब से झड़ रहे हैं? कम से कम 4 साल से। 4 साल से। थायराइड अगर चेक नहीं कराया हो तो करा लेना चाहिए। अगर नज़ला रहता है तो नज़ले का इलाज करना चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर आप को मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। देखिए, एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला, इसमें लाल आता है वो नकली होता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद 100-200 ग्राम खरीद लें, और इसका रॉ मटेरियल लें, इसका घर पर पाउडर बनाएं और एक नारियल पानी रोज़ पिएं, उसमें आधा ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर, तो आपकी बाल ग्रोथ कर सकते हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दीवानचल बोल रहा हूँ, कुछ भी वॉइस बंगल से। जी, सवाल करें। सवाल पूछे। तो मेरा साइनस, मेरा शायद डॉक्टर ने बताया साइनस का प्रॉब्लम है, सर बहुत घूमता है और नींद के बीमारी आती है, और तो और क्या बोलता हूँ, सारा शरीर में जैसे जलनी होती है ऐसा होता है, और गैस का भी प्रॉब्लम है। कोई ऐसा नुस्खा बताए डॉक्टर साहब? चलिए, नुस्खा भी बताएंगे हकीम साहब और दवाई भी बताएंगे यूनानी। आप अपनी उम्र बता दीजिए मुझे, एज बता सकते? एज अपनी बताइए। मेरा 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 एज है 32। ठीक है। अच्छा देखिए, आपको एक एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए ताकि आपके सर घूमना और चक्करों से निजात मिल सके। बगैर दवा के आप एक इलाज करें अपना, ये ऐसे आप 2-3 मिनट रोज़ाना करें, ठीक है? और 2-3 मिनट ऐसे रोज़ किया करें, तो इससे आपका सर चकराना बंद हो सकता है। और क्या सवाल था इनका, सर चकराने के अलावा? जी, नींद की समस्या भी बताई थी इन्होंने। नींद ज़्यादा आती है, ये मेरे ख्याल से कम आती है इनको नींद जी। तो जिनको नींद कम आती है उनको रोज़ाना रात के समय एक आता है जैतून का सिरका, जैतून का सिरका 3 छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें, आपको उसी दिन से फ़ायदा शुरू होना चाहिए और बहुत जल्द आपको इस मर्ज से निजात मिल सकती है। चलिए, एक और दर्शक है, मीना जी ने हमें कॉल किया है इंदौर से। मीना जी, आपके साथ किस तरह की परेशानी है, सवाल पूछें आप। मेरे ना बाल में बहुत समस्या है, आगे से बाल बहुत मेरे झड़ते जा रहे और पतले होते जा रहे, पूरे पूरे बाल मेरे झड़ते जा रहे, और मेरी ना बहुत दुबली होती जा रही हूँ, आंखें अंदर होती जा रही, और मुझे थायराइड है। उम्र कितनी है मीना जी आपकी? 28 जी। हाँ मीना जी, देखिए आपको जो थायराइड है वो अलग किस्म का है। ये थायराइड कितना भी आदमी खाना खा ले दुबला करता चला जाता है। दुनिया में 2 तरह के थायराइड हैं, हाइपो और हाइपर। तो एक हमें दुबला करता है और एक मोटा करता है, ये बहुत कम व्यक्तियों को होता है। आप अपना खूब ख्याल रखें, थायराइड आपका फ़ायदा हो सकता है अगर आप सब्र कर सकते हैं। थायराइड का एक नुस्खा खाइए, उस दवा के साथ जो आप लेते हैं वो भी खाते रहिए, और आप देखेंगे कि आपका थायराइड ठीक होने लगा, हर महीने थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा। 8-10 महीने एक नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ उसे इस्तेमाल करें। लिख लीजिए, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, इसको कहाँ मिलता है आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला, सफ़ेद वाला लेना, लाल वाला नकली होता है, गौन मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। थायराइड की गोली भी अभी ना छोड़ें,
हर महीने डॉक्टर आपके थायराइड की गोली कम करते जाएंगे और आप धीरे धीरे स्वस्थ होती जाएंगी। एक दिन आपकी थायराइड की गोली छूट जाएगी और इसी तरह ये नुस्खा भी आपसे छूट कर आपको फायदा पहुंचा सकता है। विक्रम जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। विक्रम जी प्रश्न पूछें आप। हाँ सर, भैया मुझे भूख नहीं लगती है और मेरा पेट घूम रहता है जी। एज बताइए विक्रम साहब। सर 66 साल एज है सर मेरी। ठीक है विक्रम साहब, एक घरेलू नुस्खा बड़ा अच्छा है और आप जानते भी होंगे। देखिए मेथी लीजिए, 500 ग्राम मेथी खरीद लें और इसको पाउडर बना लें घर में, और एक रसायन आता है जैतून का रसायन भी कहते हैं, या नमक जैतून आसान भाषा में कहते हैं नमक जैतून, और इंग्लिश में कहते हैं एस्टेक, जैतून का एस्टेक। ये 100-150 ग्राम ले लीजिए और इसमें मिलाकर एक चम्मच सुबह एक चम्मच खाया करें, आपकी ये दोनों समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इंदौर से हमें कॉल किया है जुनैद साहब ने। जुनैद जी सवाल पूछें। मैडम जी सर दर्द होता है और चक्कर से आते हैं। सर में दर्द होता है चक्कर आते हैं, उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 33 साल। 33 साल जी। हाँ देखिए बहुत कम उम्र में मेरे अनुभव के अनुसार आपको सर्वाइकल है। सर में दर्द होना और चक्कर भी आने का मतलब है कि हमारी यहाँ गर्दन में डिस्क में रग दबती है, कभी दिमाग में जाने वाली, तो कभी सर में चक्कर आता है कभी दर्द होता है, बड़ा ख़तरनाक है चक्कर। तो देखिए बग़ैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं, इसका मुझे काफ़ी तजर्बा है, एक ज़माने में भी सर्वाइकल का मरीज़ रहा हूँ, और जिसको सर्वाइकल होता है बड़ा उसका तमाशा होता है, डॉक्टर कहता है कि आँख का टेस्ट कराओ, आँखें कमज़ोर हो गई जी, फिर वो ठीक निकलता है तो फिर एक डॉक्टर कहता है दिमाग का टेस्ट कराओ, लेकिन सर्वाइकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और आदमी परेशान हो जाता है कितने टेस्ट कराए। एक मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज जो मैंने की और मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने लाखों करोड़ों लोगों को बताया, उन सबको फ़ायदा होता है जो मेरी बात गौर से सुनते हैं और मेरी एक्सरसाइज गौर से देखते हैं। देखिए ऐसे बैठिए और ये कान इससे मिलाइए कंधे से, कंधा वहीं रहना चाहिए, अक्सर लोग ही कंधा ऊपर करके कान मिला देते, ऐसे नहीं, कंधा यहीं रहे और कान ऐसे, ये 2-3 मिनट रोज़ करना है आपको, और 2-3 मिनट ऐसे पूरी तरह मोड़ें, पूरी जितनी देखिए मैं यहाँ तक ले आता हूँ यहीं देखें 2-3 मिनट, ये रोज़ाना करें, आप को बहुत आश्चर्य भी हो सकता है कि 10 दिन में ऐसा लगेगा कि आपको रोग ही नहीं है। तो देखिए दवा भी खाएं, जब आपको दर्द हो तो दर्द की दवा खाएं, लेकिन ये 10 दिन ज़रूर करें, 10 दिन में आपका विश्वास बहुत मजबूत हो जाएगा और वज़न नहीं उठाएं, आप देखेंगे कि 10 दिन में आपको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन आप करते रहें, ये आपको बार बार होगा नहीं, तो अगर आप करते रहेंगे तो फिर दोबारा नहीं होगा, ये आपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए और आप देखेंगे कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। जी कृष चावला जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से। कृष जी आपके साथ किस प्रकार की समस्या है? थायराइड है जी। जी थायराइड। हाँ जी। और कुछ बताना चाहते हैं, कितनी उम्र है आपकी? उम्र एज आपकी पत्नी को है ना? 10 साल। हाँ जी 10 साल के मरीज को थायराइड है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अभी से इलाज बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अलसी, सॉरी देखिए धनिया दाना, धनिया का दाना 300 ग्राम, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी,
और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये आप पाउडर बना लें, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम गर्म पानी से खिलाएं, और थायराइड की दवा जो चल रही अभी छोड़े नहीं, और अपनी पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें, और जब नई कराएंगे 1.5-2 महीने बाद नई रिपोर्ट कराएं, और आप देखेंगे कि थायराइड में कमी आने लगी, और धीरे धीरे डॉक्टर आपकी इस बच्चे की पोटेंसी कम करेगा दवाओं की, और धीरे धीरे छूट जाएंगी, आप ये इलाज कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली से हमें कॉल किया है परवीन जी ने, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, किस तरह की परेशानी है आपके साथ? एक तो मेरे कमर में, घुटनों में और पैरों के नीचे कमर में दर्द रहता है जी, और मुझे ब्लड प्रेशर की नीचे चेक है जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है जी 55 साल। 55 साल। हाँ देखिए, दो चीजें बताता हूँ आपको, एक एक करके भी कर सकते हैं, अलग अलग भी इलाज कर सकते हैं, या एक साथ भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वालों को अपना खूब ख्याल रखना चाहिए, और आपके घर में जिसके भी कमर में दर्द हो, और टांगों में या घुटनों में और पैरों में हो, तो उसके घर में वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग होना चाहिए। ऐसे मरीज के लिए हर घर में वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला बाथरूम ज़रूर होना चाहिए, तो ऐसे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जिनके नहीं होता उनको टाइम बहुत लगता है। तो देखिए, गोंद सिया एक गोंद आता है जो इंतहाई कड़वा और बदसूरत होता है, काला गोंद होता है, ये काला गोंद कहते हैं, इसे गोंद सिया भी कहते हैं, और ये 100-200 ग्राम अगर आपको मिल गया, असली लेना ज़रूरी, नकली भी मिल जाता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन फ़ायदे में बहुत मीठा है, ये फ़ायदा पहुंचाता है, तो आदमी कड़वाहट भूल जाता है इसकी। इसका पाउडर बना लीजिए, और 1 या 2 चुटकी सुबह, 1 या 2 चुटकी शाम खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से लें, और पानी से भी ले सकते हैं, जूस से भी ले सकते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। यह आपके दर्द का घरेलू नुस्खा है, और ब्लड प्रेशर के लिए जो दवा खाते हैं वो खाते रहें, और लगातार रोज़ाना 3 चम्मच जैतून का सिरका पानी में मिलाकर एक वक्त रात में पिया करें, ज़रूरत पड़े तो 2 टाइम भी पी सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होना मुमकिन, लेकिन 6-7 महीने आपको पीना होगा अपनी दवा के इस्तेमाल के साथ साथ। एक और कॉलर हैं, दलदीप कौर जी ने हमें कॉल किया है भटिंडा से, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, क्या परेशानी है आपके साथ? डॉक्टर साहब, मैं ना आपको अड्डा फिर गया थी, जैतून का, जैतून का सिरका शायद इन्होंने मंगवाया था, आप यही कह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी। परेशानी क्या है आपके साथ, किस तरह की बीमारी है? पहले शुगर ते बीपी ते गैस जी, अगर ना थोड़ा जा फायदा हैगा मेनू जी। कब से खा रही हैं आप? हफ्ता हो गया जी। हफ्ते भर से दवाई खा रही हैं, फायदा है थोड़ा। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है आपका? मैनू बीमारियां तो बहुत थी जी, मैं पहला दसियां नहीं, हुण मैं दसन लगी हां। एक मैनू ना हो गया सीगा ब्रेन अटैक, दिमाग दा जी, दिमाग का ब्रेन का अटैक हुआ था इन्हें जी। नहीं देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, खुल के बात कर रही हैं, और ये तो पंजाबी जानती हैं, मुझे समझा रही हैं, मैं पंजाबी ज़्यादा नहीं जानता। और देखिए, 8 दिन हुए हैं, फ़ायदा शुरू हो गया, और ये भगवान का बहुत बड़ा इनाम है कि 8 दिन में अगर मरीज़ कहने लगे कि मुझे थोड़ा फ़ायदा शुरू हो गया, तो आप खुश हो जाइए। देखिए, ब्रेन का अटैक दोबारा नहीं होता जो लोग जैतून का सिरका लेते हैं जी। हार्ट का अटैक दोबारा नहीं होता, जिसको भी होता है बार बार होता है, लेकिन जो लोग ये लेते हैं उनके ऐसा इतिहास है कि दोबारा नहीं होता, लेकिन अगर दवा भी ली जाए तो बार बार होता है, लेकिन इसका ऐसा हमारा अनुभव है कि जैतून का सिरका जो लोग लगातार लेते हैं उनको दोबारा नहीं होता। दूसरा, ब्लड प्रेशर से
निजात मिलना मुमकिन है, टाइम लगेगा, बहुत जल्दी मत करना आप, 5-7 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो गोली आपकी छुटके रहेगी। और गोली खाते रहें आप अपनी, वो और डायबिटीज़ स्थिर हो जाएगी, एक जगह पर आएगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाज हैं तो ये जल्दबाजों के लिए नहीं है। फ़ायदा शुरू हो गया, एक दिन पूरा फ़ायदा मुमकिन है। भगवान पे भरोसा करिए, मुझ पे मत करिए, दवा पे मत करिए, भगवान पे भरोसा करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।